तो पूरी अकाउंटिंग ही गड़बड़ है। लगता है किसी ने जानबूझ के धोखा दिया है। पापा जी को बताना पड़ेगा। पापा जी हम हैं कृष्णा। क्या करने आ गई? एक मिनट रुको, आ रहे हैं। चैन से साला दवाई भी नहीं पीने देते हैं। क्या बात? तो पापा जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ। पापा जी, आपके कमरे से भी अजीब सी स्मेल कैसी आ रही है? हाँ, वो शराब जैसी ना, वो देखो, वो हमारे ही मुंह से आ रही है। आजकल के कंपनी वाले ही देखो, पता नहीं कहाँ का दवाई बना देते हैं। अब देखो, सूंघ के देखो, पूरा शराब जैसा महक रहा है। क्या करें, पीना पड़ता है, हैं? और पीने के बाद नींद भी बहुत आती है। न तुम बताओ। हाँ पापा जी, इसके बैलेंस शीट के ऑडिट में तो बहुत गड़बड़ है। इसके हिसाब से तो गवर्नमेंट को हमें बहुत सारा टैक्स भरना पड़ेगा, लाखों का। और पापा जी, अगर फूड और एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑडिट में ये बात आ गई तो हमारी दुकान सील हो सकती है। क्या कह रही हो कृष्णा, फिर से अटैक आ जाएगा, हम बहुत लंबा फंस जाएंगे। क्या उपाय है इसका, हमको समझ में नहीं आ रहा। पापा जी, हम आपके लिए करेले का जूस लाए हैं, पी लीजिए। ए, तुम ना हमेशा गलत टाइम पे गलत चीज लेके आती हो। देख रही हो, हमारा जूस निकल रहा है, तुमको करेले के जूस की पड़ी है। क्यों पापा जी, क्या हुआ? चोरी की है क्या किसी ने? नहीं भाभी, चोरी कौन करेगा? वो ऑडिट में गड़बड़ है, लाखों का टैक्स ड्यू है। बे मैया, हमें लगा त्रिलोकी त्रिलोकी जी और कज्जू भैया से भी भारी गलती हो गई है, तो पापा जी उनसे नाराज है। भाभी, वैसे बात टेंशन की ही है, हमारी दुकान पर ताला पड़ सकता है। हाँ वो ठीक है, मतलब ठीक करो, करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। पापा जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम है ना, हम जाकर एक्साइज ऑफिस में बात करेंगे और कम से कम अमाउंट का टैक्स भरकर इस चीज को ठीक करवाएंगे। इसके पहले कि वो लोग हम तक पहुंचे, हम खुद ही उनके पास चले जाएंगे। हाँ कृष्णा, यही करना पड़ेगा। ये काम तुम ही कर सकती हो, ये गजानन त्रिलोकी राधे की बस की बात नहीं है। वहाँ अंग्रेजी में घटर पटर करते हैं और हमारा भी हाथ तंग है अंग्रेजी में, हम नहीं बात कर पाएंगे भाई। पापा जी, हम है ना, हम जाकर बात कर लेंगे। पापा जी, ये जूस रखे जा रहे हैं, पी लीजिएगा। कड़वा है, एक तो करेले का और वो भी नीम चढ़ा। हे प्रभु, एक बात कहें कृष्णा। जी। ये जो हमारी दुकान है ना, हमारा सब कुछ यही है। हम हर चीज, ये जो शुक्ला निवास बनाए हैं ना, इस दुकान की वजह से ही बनाए हैं। जो कुछ बनाए हैं सब दुकान की वजह से बनाए हैं। इसको बचा लो, हम खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक काम करना, ये राधे को मत बताना, नहीं तो वो बहुत परेशान हो जाएगा, टेंशन ले लेगा, बिखर जाएगा एकदम, मत बताना उसको। पापा जी, आपने हम पे भरोसा किया है ना, हम जरूर निभाएंगे। खुश चलते हैं। कौन कहता है कि ये जिला टॉपर है?
अरे ये तो एकदम डपर है डपर। कृष्णा दुबे जैसे मछली जाल में फंसती है ना, वैसे ही तुम बड़े शुक्ला की जाल में फंसती जा रही हो। स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा न्यूटन के गति के नियम, अब हम आपको बताएंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। कभी आपने सोचा है सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिरता है, आसमान में क्यों नहीं जाता है? अबे यार, अगर सेब गिर गया तो उसको उठा के खा लो ना। कब गिरा, कितनी स्पीड में गिरा, कैसे गिरा, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो अपना काम करना। क्या हुआ राधे जी, नींद पूरी नहीं हुई? रात भर क्या कर रहे थे? नॉटी बॉय, हम जो पढ़ा रहे वो समझ नहीं आ रहा है। आ रहा है ना, अगर आप ऐसे ही पढ़ाती रहे तो एक दिन हम जिला नहीं पूरा देश टॉप कर देंगे। अच्छा तो बताइए, अगर हम ये एक्शन करेंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? हमारा दिल बहुत जोर से धड़केगा। और अगर हम ये हुआ तो ये करे तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? हम आपको ऐसे जोर से खींचेंगे और गले से लगा लेंगे। छोड़िए ना, क्या कर रहे राधे जी, प्लीज हटिए ना। छोड़िए ना। छोड़ो राधेलाल शुक्ला, क्या कर रहे हो तुम? राधेलाल शुक्ला छोड़ो, क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सर सर सॉरी सॉरी। आउट ऑफ माय क्लास, गेट आउट, गेट आउट, साइलेंस। अरे यार कृष्णा जी, बिना कहाँ फंसवा दी हमको, और ऊपर से सपने में आके हमारे ही मजे ले रही हैं। फोन को भी अभी बजना था। पापा जी, हेलो। हाँ राधे, वो कृष्णा तुमको लेने गई थी, वापस लाने के लिए पहुंच गई। पापा जी, कृष्णा जी सपने में आई थी हमारे, सच में थोड़ी ना आई है। अच्छा, कहाँ चले गई? खैर पहुंचे तो हमसे बात करवाना। जी 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 पापा जी जी। वाह बेटा राधेलाल, कृष्णा जी आ रही है तुमको लेने।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।